पुरानी संस्कृति को जीवित रखने के लिए युवा आज भी डांडिया गेर खेल रहे हैं। जोधपुर खुडाला में प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति को जीवित रखने के लिए आज का युवा भी बहुत चिंतित हैं। यह क्षेत्र के खुडाला कस्बे में पटेल समाज के द्वारा होली पर आयोजित गैर नृत्य को लेकर के चल रहे पूर्वाभ्यास को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ पटेल युवा संगठन के बैनर तले दर्जनों युवा रात को 8 बजे से लगाकर देर रात तक ढोल थाली और चंग की थाप पर डांडिया नृत्य जत्था सहित एकल नृत्य करने की प्रैक्टिस करते देखे जा सकते हैं। कस्बे के चौक पर पटेल समाज के दर्जनों गैर नर्तकों को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में दर्शक भी रात को देर रात तक बैठे रहते हैं। युवाओं ने जब इस अभ्यास के बारे में जानने की तथा प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को जीवित रखने के अनूठे कदम पर जब बात की तो पटेल समाज के संत राजाराम युवा जागृति मंच के सचिव श्रवण पटेल खुडाला ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अभ्यास हम होली के 10 दिन पूर्व शुरू कर लेते हैं ताकि हर वर्ष नए नए युवा बच्चे इस प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को भूले नहीं, जिसको लेकर के युवाओं में बड़ा जोश और जुनून रहता है। समाज के युवाओं के इस कदम की ग्रामीणों ने प्रशंसा की है। वही होली पर पुरानी संस्कृति आज भी युवाओं में है। श्रवण पटेल ने बताया कि खुडाला में बुजुर्गों के साथ इस बार करीब 100 युवाओं ने पुरानी संस्कृति के साथ होली के साथ डांडिया नृत्य आपसी अपनापन प्रेम भाव के साथ खेली। इसी तरह झंवर के मुडनों की ढाणियों में गेर का आयोजन किया गया। गैरियों ने रंग व गुलाल से होली खेली और गेरियों के साथ थानाराम जी मुंडन, उमेदाराम मुंडन, सोहन भीचे, सुरजाराम मुंडन, करनाराम मुंडन, खरताराम मुंडन, करनाराम सारण, उदाराम भीचे, उमाराम भिस, दोलाराम मुंडन, राकेश मुंडन, राकेश भानु, सुरेंद्र मुंडन, मंगलाराम ढाका प्रधान मुंडन, धमेंद्र मुंडन, भवानी मुंडन, सुनील मुंडन, रमेश सांगवा, चंद्र प्रकाश भीचे, मुकेश मुंडन, सुनील भानु, गणपत मुंडन, अशोक चौधरी, हरीश मुंडन सहित अन्य लोग मौजूद थे।